मेरे क्लास टेंथ के प्यारे बहुआ लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुआ लोग, हम लोग देख रहे हैं 2025 के बीवीडी गाइड का हम लोग बायोलॉजी देखेंगे बहुआ लोग, है ना। बायोलॉजी जिसका है ना मतलब होता है जीव विज्ञान, यानी आज हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे बहुआ लोग। तो हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहे हैं हम लोग बगल लोग, जिसका नाम है जैव परक्रम, है ना। इसमें से हम लोग पिछले वीडियो में 1 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं बगल लोग। आज हम लोग चलेंगे 101 से, है ना, 200 तक के ऑब्जेक्टिव देखेंगे बगल। इसमें टोटल 320 ऑब्जेक्टिव दिया है, तो इसका हम 3 पार्ट बनाएंगे बगल लोग। तो एक पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हम अभी बनाएंगे, है ना। चलिए बगो लोग, तो वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए बगो लोग, है ना, हम लोग 101 से शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 101 से शुरू करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे बगो लोग, है ना, और ध्यान से बनाते चलिएगा। आप भी बनाते चलिएगा, हम भी बनाते चलेंगे, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा बगो लोग कि आपने 101 से लेकर के 200 तक में कितना क्वेश्चन आपने सही बनाया, यानी 100 क्वेश्चन आपको अभी हम अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो 100 क्वेश्चन में आपने कितना नंबर का सही बनाया है कमेंट में जरूर बताइएगा बगल लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, किस पर देखा जाता है बगल लोग? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। 10x पर देखा जाता है, कितना, 10x पर, है ना, 10x पर देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए बोलो, कहता है निम्न में किसे, है ना, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ATP, है ना, ATP, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, देखिएगा, कहता है निम्न में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? निम्न में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, अस्फाइग्नो, है ना, मैनोमीटर, अस्फाइग्नो मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा बगवा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 104 देखें, करके कह रहा है हृदय से रक्त, जिसको बोलते हैं रुधिर, है ना, हृदय से रक्त या फिर रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगवा लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, निलय के द्वारा, है ना, निलय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं बगल लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 की ओर देखिएगा बगल लोग। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या कहता है, कहता है रक्त का कौन सा अवयव, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लसिका बोलो, क्या, लसिका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा बगल लोग, है ना, अल्कोहल में उबाला जाता है ना। ऑप्शन नंबर देखिए, ए भी सही है, मंड को घोलने के लिए, ये भी सही है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ये भी सही है, पत्ती को मुलायम करने के लिए, ये भी सही है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 देखिए बगल लोग, कहता है कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, अमीबा में होगा, है ना, अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बाबा लोग क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, लीवर, है ना, लीवर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बाबा लोग, 109 कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, हरित लवक, हरित लवक ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, कहता है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, कौन होता है सहायक बउआ लोग, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रक्त बिंबाणु, है ना, रक्त बिंबाणु ऑप्शन नंबर सी। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, उपचयन, उपचयन ऑप्शन नंबर ए। चलिए 112 देखिए बोलो, कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, अवायवीय, अवायवीय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 113 देखते हैं बगल लोग, देखिए कहता है 113 कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए बगल लोग ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, जो यहाँ पे चाहिए वो दिया हुआ नहीं है, है ना, कैसे जो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सही बगल ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए बगल, कहता है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, श्वसन कहते हैं बगल, क्या कहते हैं, श्वसन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 115 देखते हैं बगल, देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, कहता है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन है बगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, कहता है मानव हृदय का औसत, है ना, प्रकुंचन दाब है लगभग कितना है जी, जिसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg, है ना, 120 mmHg, है ना, मैंने 120 mmHg। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 117 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 117 कहता है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा बगल, जो अमीबा में केंद्रक पाया जाता है ना उसी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉकरोच, है ना, कॉकरोच में, कॉकरोच में बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, कहता है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, आमाशय में, कहाँ बगलो, तो आमाशय में ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 120 देखते हैं, देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 120 देखिए क्या कहता है, कहता है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है,
इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, बाष्पोत्सर्जन ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की देखिए, करा रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया, है ना, एनीमिया। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 देखते हैं, कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे बोलो लो, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, जल से, किससे बोलो लो, तो जल से ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 123 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है, कहता है मनुष्य में, है ना, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है बगवा लो, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से, किससे बगवा लो, उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना, किसकी प्राप्ति होती है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखिए बगल, कहता है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, संवाहक होता है किसका, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भोजन का बगलो, किसका, तो भोजन का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 126 देखते हैं, कहता है पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता में, किस में बगलो, तो पत्ता में ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 127 देखते हैं, देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 127 कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, कहता श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 20%, है ना, 20%। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, कहता है ना बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया बोलो, तो भौतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 130 देखते हैं, कहता है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है बगल लोग, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में, किस में बगल लोग, तो पत्तियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 131 देखेंगे, देखिए 131 कहता है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 20, है ना, mg, है ना, 20 mg। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 132 देखते हैं, कह रहा हुआ कौन प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन, है ना, श्वसन। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, कहता है रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत होता है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7%। अगला देखिए बगलो, कहता है 135 मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 136 देखते हैं बगलो,
देखिए क्वेश्चन नंबर 136 कहता है सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, कितना होती है बगवा लोग? तो ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 ग्राम। कितना बगवा लोग? तो 15 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, कहता है मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 11 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर है ना 138 देखिए, कहता एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है, कितना? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 30 mg, है ना 30 mg। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखिए बोलो, कहता एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 120/80, 120/80। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 140 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 140 कहता है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रसनी, है ना ग्रसनी कहलाता है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, कहता है मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने विषम होते हैं? मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने विषम होते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 विषम होते हैं। कितने बगलो? तो 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, कहता हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोहा पाया जाता है बोलो, क्या पाया जाता है? लोहा यानी आयरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, कहता है प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संकुचन होता है। क्या होता है बोलो? संकुचन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 144 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 कहता है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन के द्वारा बोलो, किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, कहता मनुष्य के आहार नाल की छोटी सी रचना है ना अवशेषी अंग है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स, है ना अपेंडिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं बगल, देखिए कहता है चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलियम में, है ना किसमें? इलियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखिए बगलो, कहता पैरा है ना पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्राणिसम, है ना प्राणिसम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 148 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 148 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? श्वसन से संबंधित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यकृत नहीं है बोलो, कौन सा नहीं है? यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, कहता है मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, धमनिये, है ना धमनियां, धमनियां, है ना। चलिए 150 देखिए बोलो, कहता है मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना सिस्टॉल, सिस्टॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, कहता है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर
ए प्लाज्मा, क्या कहलाता है बोगा लोग, तो प्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 152, कहता है मनुष्य के एक मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बोगा लोग, 3 जोड़े। कितने जोड़े? 3 जोड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, कहता है ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, 6C6H12O22 है ना। इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है बोलो तो C6 यानी 6 होता है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, कहता है निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी अमीबा में। किसमें बोलो? अमीबा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, कहता है मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय है ना, अग्नाशय। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 156 कहता है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, चीड़, चीड़, चीड़ के पौधे है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, कहता है निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी अपघटन है ना, अपघटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, कहता श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का होता है, क्या होता है बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी विघटन होता है, क्या होता है बउआ लोग, विघटन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 159 देखते हैं, कहता है रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे बोलो सभी की होता है ना, पाइथ्रोमिम्बन की भी होता है ना, थ्रोमिम्बन की भी होता है, फाइब्रिनोजन का भी होता है, यानी सभी की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 160 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 160 कहता है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा है ना, विसरण, विसरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, कहता है निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कछुआ में बगलो, किसमें? कछुआ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, कहता है पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ, गति या पथ होती है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विदिशीय है ना, द्विदिशीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 देखिए बोलो, कहता वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 164 देखते हैं, कहता निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी पत्ती, किसको बोलो, तो पत्ती को। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, कहता है आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्डियक है ना, कार्डियक। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 166 देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 166 कहता है निम्न में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी है ना, ग्रास नाली से जुड़ी होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना,
निगल द्वार जिससे हम लोग निगलते हैं अनाज वनाज को जो खाते हैं ना, तो जिसको निगलते हैं ना उसी से जुड़ी होती है निगल द्वार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, कहता है कोष्ठिकाओं में स्थिर वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत करीब होती है, कितना होती है बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी 21%। कितना होता है बगलो? 21%। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, कहता है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाले कठोर परत को कहते हैं, क्या कहते हैं बगलो? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इनामेल, इनामेल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 169 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 169 कहता है पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, लाइटेक्स, लाइटेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 देखिए बोलो, कहता है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, सिक्कम कहा जाता है बगलो, सिक्कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 171 है ना कि फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या होती है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, तीन होता है बोलो, कितना होता है? तीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 172 देखेंगे, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 172 कि श्वसन क्रिया में है ना विमुक्त ऊर्जा निम्न में किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है? श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, एटीपी है ना, एटीपी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 173 देखते हैं, करा उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बगल लोग है ना उत्तक द्रव भी कहते हैं, लसिका भी कहते हैं, लिम्फ भी कहते हैं, यानी कह सकते हैं इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी, इनमें सभी। चलिए बगल लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 174 देखते हैं, कहता है युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु है ना निम्नांकित में कौन सी क्रिया की भूमिका होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी विसरण, कौन सा बगलो? तो विसरण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 175 देखते हैं बगलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 175 कहता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से है ना एथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है भाई बताइएगा बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी किण्वन कहलाती है, क्या कहलाती है? किण्वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, कहता है रक्त का लाल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, 55%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 177 देखेंगे बगलो, ध्यान से देखते चलिएगा, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 177 कि हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ है ना संयोजन की होती है, साथ संयोजन की होती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 अणु के साथ, किस कितने अणु के साथ बगलो? तो 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 178, इनमें कौन मनुष्य की
छोटी आत का भाग नहीं है। इनमें कौन मनुष्य की छोटी आत का भाग नहीं है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, कोलन, कोलन ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 179 देखते हैं। कहता है पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, पॉलीपेप्टाइडस, है ना, पॉलीपेप्टाइडस ऑप्शन नंबर सी। चलिए बगल क्वेश्चन नंबर हम लोग 180 देखते हैं, देखिए क्या कहता है, है ना, क्वेश्चन नंबर 180। नेफ्रॉन के किस भाग में, है ना, ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, बोमैन संपुट में ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 181। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकिया द्वारा। किसके द्वारा बोलो? ट्रैकिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 182 देखेंगे। कहता है मानव उत्सर्जित तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र मार्ग, है ना, मूत्र मार्ग। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 183 देखेंगे। कहता है कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म ऑप्शन नंबर सी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 184 देखते हैं। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं। कहता है निम्नांकित कौन सीधे बायुकेशिया, है ना, एलिव ओलाई में खुलती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, वायुकोशिका वाहिनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 देखिए। कहता है इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मूल पित्तवाहिनी, मूल पित्तवाहिनी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 देखिए बोलो। कहता है पौधों में जल तथा खनिज लवणों के, है ना, परिवहन की दिशा क्या होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल ऊपर की ओर, केवल ऊपर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 187 देखते हैं बगलो। देखिए 187 क्या कहता है। कहता है कि मूत्र वाहिनियों के मुख से मूत्र मार्ग के, है ना, त्रिकोण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मूत्राशय का ट्राइगोन, मूत्राशय का ट्राइगोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 देखिए बगलो। कहता निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है? निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, श्वसन, श्वसन है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। कहता है जीवों में शरीर से नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है? क्या कहलाता है बगलो? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन, उत्सर्जन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 190 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 190 कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 191 देखिए। कह रहा मनुष्य में बाह्य, है ना, नासिका छिद्र
भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नासिका बेसमों में, है ना, नासिका बेसमों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 192 देखिए बोलो, कहता है श्वसन वर्णक पाई जाती है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं बगलो, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 193 कि निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, CO2, H2O एवं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 देखिए बगलो, कहता है रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित कितनी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन, किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जल की, है ना, जल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 195 देखिए बगलो, कहता है निम्नलिखित में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है, सजीव के मुख्य लक्षण है? तो देखिए बगलो, मुख्य लक्षण है तो देखिए सजीव, देखिए स्थानांतरण भी करता है, एक जगह से दूसरे जगह भी जाता है, श्वसन भी करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 196 देखेंगे बगलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 196 कहता है, है ना, इनमें कौन सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है? इनमें कौन सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सामान्यक संग्राहक नली, सामान्यक संग्राहक नली। चलिए क्वेश्चन नंबर 197 देखिए बोलो, कहता है फाइब्रिनोज, है ना, रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीरम बोला जाता है बोलो, क्या बोला जाता है, सीरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 198 देखिए, कहता है दाएं आलिंद, है ना, निलय पर पाए जाने वाले कपाट को कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 199 देखिए, कहता है महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाया आलिंद से, बाया आलिंद कहते हैं, बाया नीलाय से, है ना, ऑप्शन नंबर डी, बाया नीलाय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 200 देखिए बोलो, कहता है फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है, कैसा होता है बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, शुद्ध होगा, कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो ये था बगलो आज का हम लोगों का 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, है ना, बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 1 से। आप बगलो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है, है ना, और बगलो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहे, परेशानी रहे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बगलो, है ना, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे 201 से लेकर के आपको 320 तक के, अगला वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये चैप्टर। चलिए बगलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।